हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में खुशियां और ढेर सारे रंग लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास है हमारी क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल फ्रॉम आर्यस अग्रवाल। और हमें कराना है आज क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि मैं आपको करा रही थी लास्ट लेक्चर में कि आपको बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करना था रिमाइंडर, और मैंने कई सारे क्वेश्चंस उस पर करा दिए थे। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू। मैंने क्या बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे आपको और बोले कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, जी एक्स को सबसे पहले ज़ीरो कर लोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इसके हम क्या करते हैं कि जी एक्स को ज़ीरो कर लेते हैं। और जी एक्स है कितना, एक्स प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से एक्स प्लस वन बाई टू हो गया ज़ीरो, यानी कि ये आ गया आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ये क्लियर है। अब इसके बाद से क्या करते हैं हम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, जी एक्स कितना है एक्स प्लस वन बाई टू, देन द रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, पी माइनस वन बाई टू। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पी माइनस वन बाई टू निकाल लेंगे कहाँ से, इससे। नाउ पी माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है इसमें वहाँ वहाँ माइनस वन बाई टू पुट कर लेंगे। तो ये हो गया टू माइनस वन बाई टू का होल क्यूब प्लस थ्री माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इलेवन माइनस वन बाई टू माइनस थ्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको, टू ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ब्रैकेट में माइनस है, तो अगर उसका ऑड पावर होता है तो क्या होता है, माइनस के साथ आता है, यानी वन बाई एट हो जाएगा माइनस के साथ। प्लस थ्री, यहाँ पे इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया इलेवन बाई टू और ये माइनस थ्री। ये टू से ये फोर कट गया तो क्या हो गया, माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर प्लस इलेवन बाई टू माइनस थ्री। अब इसके बाद से हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये देखो ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो अरेंज करते हैं इसको उसी अकॉर्डिंग, थ्री बाई फोर प्लस इलेवन बाई टू माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री। थ्री के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम वन मान सकते हैं। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम देखो फोर ही होगा, नहीं समझ में आता है तो यहाँ बता दे रही हूँ, टू फोर फोर का एलसीएम देखो क्या होगा, टू से टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, और ये तो कितना हो गया, टू टू जा फोर, तो एलसीएम यहाँ क्या होगा, फोर ही होगा। फोर वन जा फोर तो ये थ्री हो गया, टू टू जा फोर तो टू टाइम्स गया तो इलेवन को मल्टीप्लाई टू में करेंगे ट्वेंटी टू, माइनस फोर वन जा फोर वन, और ये वन फोर जा फोर यानी कि थ्री फोर जा ट्वेल्व। अब क्या करेंगे, ये ट्वेंटी टू और थ्री ट्वेंटी फाइव हो गया, माइनस ये कितना हो गया थर्टीन बाई फोर, तो यहाँ से ये आ गया ट्वेल्व बाई फोर यानी कि फोर थ्री जा 12। तो जो इसका आंसर आ गया यानी कि रिमाइंडर आ गया है वो आ गया है 3। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 3। आप यहाँ लिख सकते हो हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 3। यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको ठीक वैसे ही आपको वहाँ पर लिख लेना है, हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, सेम वही चीज़ है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। तो पी एक्स देखो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और जी एक्स यहाँ पर गिवन है एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जी एक्स को जीरो कर लेते हैं, जैसा कि हम अभी तक करते आए, और जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम ये लाइन तो अब तक मुझे लग रहा है सभी लोगों को याद हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में ये लाइन यूज़ कर ली है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, जी एक्स क्या है एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज,
देन द रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, नाउ पी ए निकाल लेते हैं हम जल्दी से। पी ए क्या हो गया, जो पी एक्स है वहीं पे एक्स की जगह हर जगह हम लोग ए रखा हुआ है तो वो पी ए है। तो फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख लेंगे। ए क्यूब माइनस ए ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स में से ए गया फाइव ए। देखो ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा वो होगा 5a। तो आप लिख सकते हो हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 5a। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत ही ईजी था, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना था, सिंपली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है द पॉलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कहते हैं लेट एफ एक्स बी, एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये पहला वाला 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स बी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। एफ एक्स और जी एक्स आपको मिल गया, आपसे ये कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी कि ये दोनों जो हैं क्या होते हैं, x माइनस 2 से डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे कि देखो, जब हम क्या कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, क्या कर रहे थे, जिस नंबर से डिवाइड करते थे उसको इक्वल टू जीरो करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। ठीक है, और इन दोनों में डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस टू से। तो आप लिखोगे व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, एफ एक्स है तो एफ टू हो जाएगा रिमाइंडर। एफ टू कैसे हो जाएगा, अरे भाई एक्स माइनस टू को हम जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये माइनस टू इक्वल टू के उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एफ टू हो गया। सेम वही चीज़ हम किसके लिए भी कर लेंगे, इसके लिए, यानी ये क्या है, ये है जी एक्स है। तो व्हेन जी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा जी टू। ठीक है, मैंने क्या बताया था उस टाइम पे जब हम ये कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, फिर ये वैल्यू पुट कर ले रहे थे एफ एक्स और जी एक्स में। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि एक्स माइनस टू से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, एफ टू और जी टू आ रहा है। अब हम एफ टू और जी टू निकालेंगे। तो नाउ एफ टू कितना हो जाएगा, एफ टू मतलब कि एफ एक्स वाले टर्म में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम टू पुट कर लेंगे। तो पुट कर लेते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टू का होल क्यूब प्लस टू का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू। तो ये कितना हो गया, टू मल्टीप्लाई बाई एट प्लस फोर माइनस टू ए प्लस टू, ये हो गया 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। ये f2 की वैल्यू जो हो गई आपकी, वो क्या हो गई, 16 प्लस 4 20 और ये हो गया 22, यानी 22 माइनस 2a। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे g2। इस वाले टर्म में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख लेंगे, तो 3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस ए, ये हो गया 16 माइनस 12 माइनस 6 प्लस ए। अब ये कितना हो गया, 16 और ये देखो माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18 प्लस ए, तो ये आ चुका है आपका ए माइनस 2। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। अब क्या करेंगे, हम इस एफ टू को और इस जी टू को इक्वल कर देंगे, हमें अपने आप ए की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पे जगह है, देखो ये मैं कर दे रही हूँ, ये समझ लेना कि इसके बाद से ये स्टेप है और उसके बाद से फिर ये स्टेप है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एफ टू और जी टू, ठीक है ना, ये वाला टर्म आपका जी टू है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे,
इक्वल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही टर्म्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं x माइनस टू से। रिमाइंडर सेम है दोनों के लिए। देखो यहाँ पे जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं वो क्या है, एक ही नंबर है, 22 माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस टू। अब इस a को यही रहन देते हैं, माइनस टू ए को इधर ले आते हैं और माइनस टू को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 22 प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस टू ए। इसके बाद से यहाँ 3a इज इक्वल टू हो गया 24, a इज इक्वल टू हो गया 24 बाई 3 यानी कि 8 हो गया। और यहाँ से a की वैल्यू जो आ गई है वो 8 आ गई है, और यही है आपका आंसर, यानी कि a की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी थी वो आ गई है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू यहाँ से 8 आ चुकी है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको तो आपको इसी तरह से इसे सॉल्व करना होगा। एक बार अच्छे से देख लो इसे, यहाँ तक करने के बाद से हमने ये स्टेप करा है, फिर ये करा है और फिर ये करा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं मनाती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो मुझे बहुत सारे काम भी हैं, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और आज के बाद से जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो फिर इसके बाद से जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं 14, 15 एंड 16 एक्सरसाइज 2C के, वो आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।